अस्सलामुअलैकुम। हर सियासी हुकूमत की जाने से पहले उनकी मीडियाई चतरोल शुरू हो जाती है और लगता है कि नून लीग की वो वाली चतरोल शुरू हुई है, लेकिन जब अपने ही पार्टी के बंदे चतरोल करने लगे तो समझ जाइए कि अगला इलेक्शन भी हाथ से निकल गया है। शरीफ खानदान ने पैसे के जोर पे बहुत से लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। अब कुछ लोग गुलामी के जंजीरें तोड़ रहे हैं, इनमें से एक मिफ्ता इस्माइल भी है। मेहर बुखारी ने कहा कि कैप्टन सफदर यूथ विंग के सदर है, आपको ताज्जुब नहीं होता या अच्छा लगता है? नहीं, ये कहकर मिफ्ता इस्माइल हंसने लगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर मेहर बुखारी भी हंसने लगी और कहा कि आपको तो मैंने कभी लाजवाब नहीं पाया। मिफ्ता इस्माइल ये सुनकर जोर जोर से कह कह लगाने लगे और खूब मजाक उड़ाने के बाद कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मिफ्ता इस्माइल ने कमाल कर दिया, झूठ बोलने की बजाय टैंकों का सहारा लेकर कैप्टन सफदर की अच्छी खासी चतरोल कर दी। सुना है कि नून लीग में खानदानी सियासत की वजह से मिफ्ता इस्माइल और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी पार्टी से राह जुदा कर चुके हैं। ये दोनों भी कोई दूध के दुले नहीं, लेकिन शाहिद उकता चुके हैं, इसीलिए गुलामाना निजाम से अपनी बची कुची सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफा कोकर, सैयद अली शाह और दीगर चले हुए कालतूस ऐसे निजाम की पैदावार है। इसी निजाम ने इन्हें इतना ताकतवर बनाया। इनके अंदर गरीब के लिए मोहब्बत नहीं जागी, बल्कि भूखे नंगे अवाम के आंखों में दर्द खून का खौफ अपने बचाव के लिए तकरीबें सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर इनमें गरीब की तकलीफ का इतना ही एहसास है तो इनको सियासत से किनार कशी होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी नाकामी है कि मुल्क इस कदर तबाही से दोचार हुआ है। ये अशरफिया के नुमाइंदे गरीब की मोहब्बत का लुबादा मोड़ने के लिए नया चूर्ण बेचने आए हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं कि अब ये नया चूर्ण खरीदने वाले नहीं रहे। जो लोग अब भी इनके साथ देकर इन्हें इकतदार में लाने की कोशिश करेंगे तो वो रोज कयामत इस करप्ट जालिम टोले का साथ देने पर जरूर हिसाब देंगे, क्योंकि इन लोगों ने शायद ये समझ लिया कि इन्होंने मरना नहीं है। कैप्टन सफदर नून लीग का वो गुलाम है, अपने दामाद होने का भी ख्याल नहीं करता, इसीलिए कह रहा था कि 29 जनवरी को नवाज शरीफ की बेटी वतन वापस आ रही है। इसका मतलब ये कि इसकी इतनी औकात नहीं कि ये कह सके कि मेरी बीवी आ रही है। मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ कैप्टन सफदर की औकात याद नहीं करवाई, बल्कि सुलेमान शहबाज की भी खासी चतरोल कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जब सुलेमान शहबाज पर केसेस की बारी आती है तो कहते हैं सियासत से कोई लेना देना नहीं, जब सियासत करने पे आ जाए तो अपने ही पार्टी के वजीर खजाना यानी मिफ्ता इस्माइल को जोकर तक बोल देता है। चतरोल पर मिफ्ता इस्माइल को हम कराच तसीन पेश तो करते हैं, लेकिन अब जब इनको नून लीग की तरफ से जूते पड़ रहे हैं तो ये अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम इन चेहरों से वाजे हो चुकी है, इसीलिए अब ये जो मर्जी कर ले अवाम की हिमायत हासिल नहीं कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।